बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम साजिद अली, योर मैथ्स टीचर। आज हम 22 तारीख का काम करेंगे, एक्सरसाइज 6.3, इसका क्वेश्चन नंबर 5। इसकी स्टेटमेंट बेटा बुक में भी देखें, मैं आपको सुनाता हूँ। 12 वाटर पंप्स कैन मेक अ वाटर टैंक एम्प्टी इन 20 मिनट्स। 12 पंप हैं, वो एक टैंक को खाली करते हैं 20 मिनट में। अगर दो पंप खराब हो जाए बट टू पंप्स आर आउट ऑफ ऑर्डर, तो 12 थे तो 10 रह गए। मैंने सवाल में लिखा भी हुआ है, हाउ लॉन्ग विल द रिमेनिंग पंप्स टेक टू मेक द टैंक एम्प्टी। अब दो पंप खराब हो गए तो ज़्यादा टाइम लगाएंगे, यानी पंप के कम होने से टाइम बढ़ गया, और अगर हम पंप ज़्यादा कर दें तो टाइम कम लगेगा और टैंक जल्दी खाली हो जाएगा। तो इसमें जो रिलेशन है वो इन्वर्स प्रोपोर्शन का रिलेशन है। तो बेटा इसको लिखने का जो तरीका है वो भी हम देख लेते हैं। टाइम जो कि हमें फाइंड करना है, लेट द टाइम इज एक्स, 12 पंप्स टाइम 20, और अगर दो पंप आउट ऑफ ऑर्डर यानी खराब हो गए हैं तो 10 रह गए, टाइम कितना लगेगा। तो बेटा जहाँ एक्स होगा वहाँ एरो साइड अप साइड पर आएगा ऊपर की तरफ, और जो दूसरी तरफ रिलेशन जो कि हमने रिवर्स का है वो आपने डाउन साइड की तरफ नीचे की तरफ बना है। लिखने का अंदाज क्या होता है, जो टेल वाला नंबर है एक्स वो ऊपर, हेड वाला नंबर 20 नीचे, और इस तरह टेल यहाँ 12 है, हेड 10 है। अब बेटा चूंकि हमने एक्स फाइंड करना है, यहाँ 20 है, 20 चूंकि फ्रैक्शन में नीचे है डिवाइड हो रहा है, अगर हम इनको उस तरफ लेकर जाएंगे तो मल्टीप्लाई के साइन साथ लिखेंगे, 12 by 10 multiplied by 20। 10 और 20 करेंगे 2 आएगा, 2 को आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 मिनट्स ये टाइम आपका आ गया। यानी अगर 12 पंप्स 20 मिनट लगाते हैं, 10 पंप जो होंगे वो 24 मिनट लगाएंगे, ज़्यादा करेंगे। ये था आपका सवाल नंबर 5। इसी तरह आपने सवाल नंबर 6 है और 7 है वो आपने ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट हम देखते हैं और पढ़ते हैं। अ फार्मर कैन प्लो एन एरिया ऑफ 40 एकर्स इन 16 आवर्स। प्लॉ मतलब खेतों में जो हल चलाते हैं उसे कहते हैं प्लॉ। 16 घंटे लगते हैं 40 एकर्स को प्लॉ करने के लिए। हाउ मैनी एकर्स यानी कितना एरिया, हाउ मैनी एकर्स एरिया फाइंड करना है। विल ही प्लॉ इन 36 आवर्स 36 घंटे में। तो देखिए बेटा एरिया कम है तो टाइम कम लगेगा प्लॉ करने में, ठीक है, और अगर ज़्यादा एरिया होगा तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शन का रिलेशन आएगा। तो हमने लिखना है लेट द एरिया इज एक्स, एरिया 40 एकर्स टाइम 16 आवर्स। उसके बाद देखें बेटा एरिया चूंकि हमने फाइंड करना है, टाइम हमने लिखना है 36 आवर्स। लिखने का अंदाज वही होगा जो हमने पहले किया है, टेल वाला नंबर बेटा एक्स ऊपर, 40 हेड वाला नंबर नीचे, इसी तरह यहाँ 36 ऊपर और 16 नीचे। अब देखिए 40 डिवाइड हो रहा है तो बेटा ये 40 डिवाइड हो रहा है तो उसका उसको मल्टीप्लाई के साथ करते हैं। इनके आप कटिंग करेंगे 16 और 40 की 4 से कटिंग करें, यहाँ 4 आएगा यहाँ 10, फिर 4 times 4, 4 times 40 के बाद 4 36 की कटिंग करेंगे 9 times 9, तो ये आपका एरिया आ गया 90 acres। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। अ डिश वॉशर क्लीन्स 1350 डिशेस इन 1 आवर। इसको टाइम को आप मिनट्स में भी लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है 60 मिनट्स। अब वो कहता है कि हाउ मैनी डिशेस यानी कितनी डिशेस मजीद आप वॉश कर सकते हैं इन 16 मिनट्स मोर। तो 60 में बेटा 16 आप ऐड कर दें तो 76 मिनट्स बनता है। अब बात यह है अगर आप कम वक्त में डिशेस को वॉश करते हैं, ज़्यादा वक्त टाइम देंगे तो ज़्यादा डिशेस वॉश होंगी, कम वक्त होगा तो डिशेस कम होंगी, तो रिलेशन बनेगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन। लिखने का तरीका वही, एक्स ऊपर 1350 नीचे, 76 ऊपर 60 नीचे। अब चूंकि हमने एक्स फाइंड करना है, 1350 बेटा है डिवाइड है उस तरफ, हम लिखेंगे मल्टीप्लाई के साथ। आप इनकी कटिंग करेंगे 0 0 से कैंसिल, 3 से 6 की कटिंग 3 से करेंगे, 3 2 6, 3 4 12, 3 5 15, उसके बाद यहाँ 2 बचता है, स्कूल की कटिंग 45 से तो नहीं होगी, स्कूल की कटिंग 76 से होगी, 2 3 6, 2 8 16।
38 और 45 को बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1710। और ये क्या चीज है? डिशेस। जैसा कि सवाल में भी हमने लिख दिया था, तो उम्मीद है बेटे आपको सवाल समझ आ गया होगा। अगर आपको कहीं से कोई बात समझ ना आए, आप इस वीडियो को दोबारा देखें, आप व्हाट्सएप पर मुझसे रابطہ करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।